एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्लाउज का बैक डिज़ाइन, जिसके लिए देखिए मैंने अस्तर को कट किया हुआ है। मेन फैब्रिक हमने रखा हुआ है, अस्तर की जो स्लीव्स है उसकी हमने कटिंग कर ली है। और चलिए अब हम इसकी लेंथ और विड्थ देखते हैं कितनी रखनी है आपको। तो यहाँ पर ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है मैं 15 इंचेस की रखी हुई हूँ, और जो शोल्डर है यहाँ पर मैंने 6 इंचेस का लिया हुआ है। सो अच्छे से बैठा लेने के बाद अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे 2.5 इंचेस पे। सो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब इसे हमें नीचे 3.5 इंचेस तक बढ़ाना है, और लाइन को हमें इस तरह से मिला लेना है, और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से शेप दे देना है। अब आपको ब्लाउज की जितनी लेंथ रखनी है यहाँ पर मार्क कर ले, तो मैं 11 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आप इसे चाहे तो बड़ा भी कर सकते हो। आपको इसकी जो डेप्थ है जितनी देनी आप उसके अकॉर्डिंग या दें। तो यहाँ पे पहले मैं सेंटर ले रही हूँ और उसे मार्क करेंगे हम। मैं इसे 4 इंचेस तक इस तरह से बढ़ाएंगे, और फिर यहाँ पे ऊपर में हमें इस तरह से कोन शेप में मिलाना है, और नीचे की साइड में हम इसे राउंड शेप में मिलाएंगे। और मैं लगभग 1/2 इंच और इसे डीप कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं, इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं इतने ही कर रही हूँ, इसे 1/2 इंच मैं नीचे की और बढ़ा ली हूँ। तो चलिए अब इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से अस्तर की कटिंग तो हो गई है। अब इसे हमें मेन फैब्रिक में बैठा करके सिलना है। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को सीधे साइड पर रखना है, और अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से बैठा लेंगे हम। और जिस शेप में हमने नेक की कटिंग की है उसी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो लगभग 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए आप पूरे में इस तरह से सिलाई कर लें। तो आप डायरेक्ट अगर सिलाई नहीं कर सकते हो तो या तो आप उसे पिनअप करके अच्छे से सिल लें, और नहीं तो पहले आप हाथ से तुरपाई कर लें और उसके बाद इस पर सिलाई चलाएं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फिनिशिंग बैठेगी वो बहुत ही अच्छी आएगी, और ब्लाउज अगर फिनिशिंग लुक आती है उसमें तो और भी अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरह से हमें नेक की सिलाई कर लेनी है, और इसके बाद अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा नेक का है वो हम कट कर लेंगे, और फिर हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेना होगा, और जो कोन है हमें इस तरह से कट कर लेना होगा ताकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो अंदर में जो कपड़ा है वो मोटा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें कट लगा लेना है, और इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे, और जो कोन है दोनों इसे आप कोई भी नोकीली चीज़ इस तरह से निकाल लें। और सीधा कर लेने के बाद हमें अच्छे से नेक की इस तरह से फिर से सिलाई कर लेनी है बैठा करके। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया है। अब जो अंदर साइड में हमारा यहाँ पे आर्म होल और पूरे ही अस्तर पे हम बैठा करके इसे सिल लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके इसे तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, दोनों साइड्स पे हमें टक्स लगा लेना होगा। टक्स की लंबाई हमें 4 से 4.5 इंच तक रखना है। तो इस तरह से दोनों साइड्स पे हम टक्स लगा लेते हैं। और नीचे की साइड पे हमें अब पट्टी लगा करके सिलाई लगा लेनी होगी। इस तरह से सिल लेने के बाद अब इसे हमें अंदर की ओर मोड़ करके अच्छे से तैयार कर लेना है।
सो गाइज इस तरह से हमने ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छे से कर ली है। अब हमें एक पट्टी कट करनी है। देखिए लेंथ हमने 4 इंचेस की रखी है और विड्थ जो है 6 इंचेस की है, और इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना है और इसे हम सीधा कर लेते हैं। सो ये हमें बो बनाना है, जो सिलाई है वो हमें बीच में रखना है इस तरह से, और इसे अब हम इस तरह से सेंटर से लेंगे। सेंटर पे हमें सुई धागे की हेल्प से इस बो को तैयार करना है, और इसके लिए हमने गोल्डन कलर का एक मोती लिया हुआ है बड़ा सा। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसमें फैब्रिक बटन भी लगा सकते हो या छोटे वाला मोती भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे बड़ी वाली मोती ले रही हूँ गोल्डन कलर की। सो इस तरह से हम इसे सिल लेंगे, अच्छे से तैयार करके बैठा लेंगे। तो अच्छे से मोती को हमें यहाँ बैठा लेना है। अब हम अपने ब्लाउज का पार्ट लेंगे और इससे हमें इस तरह से बैठा करके और इस पर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो यहाँ भी पिनअप कर लें और फिर सिलाई करें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। और इसी तरह से दूसरे साइड पे भी बैठा करके हमें इसे सिल लेना है। तो यहाँ पे हमारा नेक इस तरह से तैयार हो गया है। अब अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, और अब हम पूरे नेक में गोल्डन कलर की लेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ये पतली सी लेस ली हुई है, अब चलिए एक साइड से हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी प्लेन रख सकते हो, ये इस लुक में भी बहुत अच्छी दिखेगी बैक साइड में, बट मैं इसे गोल्डन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये और भी सुंदर आए, उसकी जो नेक की डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी सी निखरेगी। सो इस तरह से हमें नेक की पूरे नेक पे हमें गोल्डन कलर की लेस लगा के तैयार कर लेनी होगी। सो देखिए हमें कितनी ही आसानी से ये ब्लाउज का बैक पार्ट को तैयार कर लिया है, और आपको मेरे चैनल पे इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। और मैंने पहले भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस अपलोड की हुई है ब्लाउज का बैक पार्ट का, और भी काफ़ी सी बेबी ड्रेसेस और सूट्स कुर्ती की डिज़ाइंस अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं और देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।